Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session, we will discuss about the previous year question of qualitative analysis. So the first question is, what is the function of HNO3 and ammonium chloride in group 3 qualitative analysis? So what is the function of HNO3? HNO3 is a oxidizing agent. It oxidizes ferrous ion to ferric ion. So what is the function of HNO3? It oxidizes ferrous ion to ferric ion. Now the second part is, what is the function of ammonium chloride in group 3 qualitative analysis? So in group 3, अमोनियम क्लोराइड ऐड करते हैं. अमोनियम क्लोराइड है दैट डिसोसिएट्स टू अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन. मोर ओवर अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ऐड करते हैं. सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये इसको डिसोसिएट होके अमोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन फर्निश करेगा. नाउ अमोनियम क्लोराइड को हमेशा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से पहले ऐड किया जाता है क्योंकि यहाँ पे अमोनियम आयन है, दैट इज द कॉमन आयन. सो ड्यू टू दिस कॉमन आयन द डिसोसिएशन ऑफ दिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू अमोनियम डिक्रीजेस, और वी कैन से दैट ड्यू टू द एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड द आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड suppresses and there will be formation of less amount of ammonium ion. This less amount of ammonium ion is responsible or is sufficient to precipitate group 3 ions, group 3 cations, but not group 5 cations. सो होता क्या है, अमोनियम क्लोराइड है वो डिसोशिएट करके अमोनियम आयन फर्निश करता है और क्लोराइड आयन फर्निश करता है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो भी अमोनियम आयन और OH- आयन फर्निश करता है. ड्यू टू दिस कॉमन आयन दैट इज अमोनियम आयन, यहाँ से अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. मीन्स लेस अमाउंट ऑफ अमोनियम आयन विल बी रिलीज ड्यू टू दिस कॉमन आयन, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल. सो लेस अमाउंट ऑफ अमोनियम आयन विल बी रिलीज. जो अमोनियम आयन लेस अमाउंट में रिलीज होंगी दे विल बी सफिशियंट फॉर ग्रुप 3 कैटायंस प्रेसिपिटेशन बट नॉट फॉर ग्रुप 5 कैटायन प्रेसिपिटेशन. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन ग्रुप 3 क्वालिटेटिव एनालिसिस. Now the next question is, how is oxalate detected in presence of carbonate? So जब भी salt solution है उस salt solution के अंदर concentrated H2SO4 add करते हैं, then वहां से CO2 gas है वो release होती है. So ये बहुत difficult हो जाता है कि वो CO2 gas carbonate की वजह से release हुई है या oxalate की वजह से release हुई है. अगर सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सलेट और कार्बोनेट दोनों प्रेजेंट है तो उस टाइम के ऊपर हमें एक डिफरेंट प्रोसीजर को अडॉप्ट करना होता है जिससे कि हम कार्बोनेट और ऑक्सलेट दोनों की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं. सो उसके लिए क्या करेंगे कि जो सॉल्यूशन है, जो मीन्स जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा और जो मिक्सचर होगा उसको हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे और उसको हीट करेंगे until जो CO2 है वो completely remove ना हो जाए. जब तक कि CO2 निकलती है तब तक हम उसको heat करेंगे. इसका मतलब है कि जो carbonate था वो completely decompose हो चुका है, remove हो चुका है. अब जो solution होगा उसके अंदर सिर्फ oxalate होगा. तो अब क्या करेंगे कि जो solution है उसके अंदर पिंच ऑफ मीन्स इसे नेक्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, MnO2 ऐड करेंगे और हीट करेंगे. अगर इसके बाद भी ब्रिस्क एफरवेसेंस आती है
ब्रिस्क एफर्वेसेंस आती है विद इवोल्यूशन ऑफ CO2 जो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करती है. लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. सो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन है उसमें ऑक्सलेट. मतलब अगर ऑक्सलेट और कार्बोनेट एक साथ प्रेजेंट है तो फर्स्ट क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर डायरेक्ट H2SO4 ऐड करके उसको हीट करेंगे जब तक कि CO2 है उसका रिलीज बंद ना हो जाए. उसके बाद फिर MnO2 ऐड करेंगे. उसके बाद अगर ब्रिस्क एफर्वेसेंस आती है मतलब CO2 रिलीज हो रही है और वो CO2 लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर रही है, इसका मतलब है ऑक्सलेट प्रेजेंट है. सो इसके अंदर जो मेन रिएक्शन है वो क्या रिएक्शन यूज हुई है कि Na2C2O4 है दैट विल रिएक्ट विद H2SO4 एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ Na2SO4 प्लस H2C2O4. नाउ दिस MnO2 दैट विल रिएक्ट विद H2SO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ MnSO4 प्लस वाटर प्लस CO2. नाउ दिस CO2 विल टर्न लाइम वाटर मिल्की एंड व्हाट इज लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लाइम वाटर. दिस रिएक्ट्स विद CO2, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. सो द मिल्कीनेस इज ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन. सो अगर ऑक्सलेट और कार्बोनेट एक साथ प्रेजेंट होंगे तो हम इसको इस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू ऑक्सलेट एंड टार्ट्रेट कॉज इंटरफेरेंस इन ग्रुप 3 एनालिसिस. नाउ जो फिल्ट्रेट ऑब्टेन होता है ग्रुप 2 का, ग्रुप 2 फिल्ट्रेट, फ्री फ्रॉम H2S गैस. This is made alkaline by using ammonium hydroxide. So ammonium hydroxide को add करने के बाद जो solution है that turns alkaline. और अभी alkaline solution है ये group 3 के radicals के साथ साथ group 4, 5 और 6 के radicals का भी precipitation कर सकता है अगर oxalate और tartrate present है. So अगर सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सलेट और टार्ट्रेट प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, जो ग्रुप सेकंड का फिल्ट्रेट है जिससे हमें फर्दर ग्रुप थर्ड की डिटेक्शन करनी है, उसमें जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे क्या होगा कि जो टार्ट्रेट और ऑक्सलेट है वो इंटरफेरेंस कॉज करेंगे ग्रुप 3 के जो आयन्स हैं उनके प्रेसिपिटेशन में, उनके डिटेक्शन में, क्योंकि ये ग्रुप 3 के साथ साथ ग्रुप 4, 5, 6 का टेस्ट भी यहीं पर शो करेगा. सो इसके लिए क्या करेंगे कि जो रिमूवल ऑफ ऑक्सलेट एंड टार्ट्रेट विल बी कैरिड आउट. सो जो ऑक्सलेट है उसको किस तरह से रिमूव करेंगे, जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड करेंगे नियर बाई 2 to 3 ml और सॉल्यूशन को एवोपोरेट करेंगे, एवोपोरेट टिल ड्राइनेस. उसके बाद जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर क्या होगा कि जो ऑक्सलेट और टार्ट्रेट है वो क्या होगा, जैसे जिस तरह से एवोपरेट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जो भी सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सलेट और टार्ट्रेट की कंपाउंड थी वो डिकम्पोज करके और CO2 गैस है दैट विल रिलीज. सो यहाँ से जो केमिकल रिएक्शन है जो इन्वॉल्व हुई है दैट इज दिस इज द सॉल्ट ऑफ ऑक्सलेट. This reacts with concentrated HNO3 and there is formation of magnesium nitrate and oxalic acid. Now this oxalic acid will be oxidized by concentrated HNO3 to CO2 and water. So जो oxalate ion है वहां से CO2 release हो जाएगा, means oxalate ion को remove किए. Same as जो tartrate है, टार्ट्रेट का जो सॉल्ट है, सपोज टार्ट्रेट प्रेजेंट है बेरियम के सॉल्ट की फॉर्म में, सो जो ग्रुप 3 के डिटेक्शन में इंटरफेरेंस कर सकता है, सो दिस सॉल्ट विल बी ट्रीटेड विद 2HNO3 एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बेरियम नाइट्रेट एंड टार्ट्रिक एसिड.
टार्ट्रिक एसिड H2C4H4O6. Now this will be oxidized by HNO3 to CO2, CO and water. So इस तरह से जो फिल्ट्रेट है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड करके उसको एवोपोरेट करके CO2 को रिलीज कराएंगे. जो भी ऑक्सलेट और टार्ट्रेट के जो भी सॉल्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे. देन वी विल गो फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ग्रुप 3 रेडिकल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ येलो अमोनियम सल्फाइड रिएजेंट. सो जो येलो अमोनियम सल्फाइड रिएजेंट है दैट इज NH4 ट्वाइस एस प्लस एस. दिस इज यूज टू सेपरेट ग्रुप सेकेंड ए एंड सेकेंड बी इन क्वालिटेटिव एनालिसिस. ग्रुप सेकेंड प्रेसिपिटेट्स आर वॉर्म विद येलो अमोनियम सल्फाइड. नाउ ग्रुप सेकेंड ए बेसिक रेडिकल्स आर इनसॉल्युबल. ग्रुप सेकेंड ए के अंदर जब येलो अमोनियम सल्फाइड ऐड करेंगे सो दे विल बी इनसॉल्युबल. और जो ग्रुप सेकेंड बी है दे विल बी सॉल्युबल. सो ग्रुप सेकेंड ए ग्रुप सेकेंड बी को डिस्टिंग्विश करने के लिए येलो अमोनियम सल्फाइड रिएजेंट का यूज करते हैं. सो यहाँ से क्या रिएक्शन है, M2S3. M इज द मेटल. मेटल कैन बी आर्सेनिक और एंटीमनी. दिस रिएक्ट्स विद येलो अमोनियम सल्फाइड एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड सिमिलरली जो टिन के कंपाउंड होंगे, टिन सल्फाइड है दैट विल रिएक्ट विद अमोनियम सल्फाइड, येलो अमोनियम सल्फाइड प्लस सल्फर एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड. सो जो मेन पॉइंट इज येलो अमोनियम सल्फाइड इज यूज टू डिस्टिंग्विश द रेडिकल्स ऑफ सेकेंड ए एंड सेकेंड बी. सेकेंड ए रेडिकल्स व्हेन ट्रीटेड विद येलो अमोनियम सल्फाइड दे बिकम्स इनसॉल्युबल, व्हाइल सेकेंड बी रेडिकल्स व्हेन दे आर ट्रीटेड विद येलो अमोनियम सल्फाइड दे बिकम्स सॉल्युबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू रिमूव फॉस्फेट आयन बिफोर प्रोसीडिंग फॉर ग्रुप 3. सो ग्रुप 3 के जब हम डिटेक्शन करते हैं उससे पहले अगर हमारे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन में फॉस्फेट आयन प्रेजेंट है तो हमें उसको रिमूव करना होता है, अदरवाइज वो आगे इंटरफेयर करते हैं. सो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे कि जो ग्रुप 2 का फिल्ट्रेट था उस फिल्ट्रेट के अंदर HCl ऐड करेंगे 2 to 3 ml और उसके अंदर 1 gram अमोनियम क्लोराइड को ऐड करेंगे और जो सॉल्यूशन है उसको बॉईल करेंगे. जब तक बॉईल करेंगे जब तक कि जो H2S गैस है वो पूरी रिलीज नहीं हो जाती. उसके बाद जो सॉल्यूशन है उसको कूल करेंगे और कूल करने के बाद में सॉल्यूशन के अंदर जिरकोनाइल नाइट्रेट ऐड करेंगे. जिरकोनाइल नाइट्रेट है उसको ऐड करेंगे बट ज़्यादा एक्सेस में ऐड नहीं करना है. विद शेकिंग के साथ में क्या होगा, जिरकोनाइल नाइट्रेट को ऐड करेंगे जब तक कि कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ना हो जाए. उसके बाद जो सॉल्यूशन है उसको फिर से बॉईल करेंगे, कूल करेंगे देन फिल्टर करेंगे. सो यहाँ से क्या होगा, जो रेजिड्यू होगा मतलब फिल्टर करने के बाद में जो प्रेसिपिटेट बना था वो क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा. जिसके अंदर फॉस्फेट है, जिरकोनाइल है, वो फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके वो सेपरेट हो जाएगा और जो फिल्ट्रेट का जो रेजिड्यू है उसको डिस्कार्ड कर देगा. रेजिड्यू है उसको थ्रो करेंगे और जो फिल्ट्रेट होगा उसको फर्दर आगे ग्रुप 3 की डिटेक्शन के लिए यूज करेंगे. सो यहाँ पे क्या था, जब जिरकोनाइल नाइट्रेट ऐड किया गया था सो अगर फॉस्फेट प्रेजेंट है
then this zirconine nitrate will react with that phosphate salt and there will be formation of this compound. सो फॉस्फेट को रिमूव करने का क्या मेथड है? ग्रुप सेकंड का जो फिल्ट्रेट होगा उस फिल्ट्रेट के अंदर HCl ऐड करेंगे. HCl ऐड करने के बाद उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड ऐड करेंगे, सॉल्यूशन को बॉईल करेंगे. जब तक बॉईल करेंगे जब तक ही H2S गैस है वो फर्दर रिलीज होना बंद ना करता. उसके बाद जो सॉल्यूशन है उसको कूल करेंगे. कूल करने के बाद में जिरकोनाइन नाइट्रेट ऐड करेंगे. जिरकोनाइन नाइट्रेट तब तक ऐड करना है जब तक ही प्रेसिपिटेशन कंप्लीट नहीं हो जाती. तो जैसे ही प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो गई, मतलब मोर प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रही, देन जो सॉल्यूशन है उसको बॉईल करेंगे, कूल करेंगे और फिल्टर करेंगे. फिल्टर करने के बाद में जो रेजिड्यू है उसको डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि जो जिरकोनाइन नाइट्रेट है वो फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे कंपाउंड बनाएगा. तो जो रेजिड्यू है उसके अंदर प्रेसिपिटेट के अंदर वो क्या होगा, जिरकोनाइल का फॉस्फेट के साथ कंपाउंड होगा दिस कंपाउंड. So this will be discarded और जो filtrate होगा that will be further used for the detection of group 3 ions. Next question is how is chloride ion detected by chromyl chloride test? So chromyl chloride method के basis के ऊपर chloride ion को किस तरह से detect कर सकते हैं उसको अभी हमें discuss करना है. So जो salt है जिसके अंदर क्लोराइड आयन है, दैट सॉल्ट इज ट्रीटेड विद K2Cr2O7 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. सॉल्ट को सॉल्ट के अंदर K2Cr2O7 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे और उसको हीट करेंगे. अगर रेड गैस या फिर रेड वेपर्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं, मीन्स क्लोराइड आयन है, दैट इज प्रेजेंट. ये जो रेड गैस है इसके अंदर से, इसके रेड गैस अगर NaOH सॉल्यूशन से पास करेंगे तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा. और ये जो येलो कलर सॉल्यूशन है इसके अंदर अगर एसिटिक एसिड और लेड एसिटेट अगर ऐड करेंगे देन येलो पीपीटी विल बी ऑब्टेन. सो दिस इज द कंफर्मेशन टेस्ट ऑफ क्लोराइड. क्लोराइड का सॉल्ट होगा, उसमें K2Cr2O7 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करके हीट करेंगे. रेड वेपर्स प्रोड्यूस होंगे, उनको NaOH से पास करेंगे, वो वेपर्स क्या हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे. येलो सॉल्यूशन है उसमें एसिटिक एसिड लेड एसिटेट ऐड करेंगे. अगर येलो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है मीन्स क्लोराइड आयन इज प्रेजेंट. अब इसके अंदर जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व हुई है वो क्या है कि जो KCl है दैट रिएक्ट्स विद K2Cr2O7 प्लस 3H2SO4 एंड द रेड गैस इज प्रोड्यूस दैट इज Cr2O2 Cl2, दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड वेपर. दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड वेपर. दिस क्रोमाइल क्लोराइड वेपर दिस विल रिएक्ट विद NaOH and there will be formation of yellow solution of Na2CrO4 this yellow solution will react with lead acetate in presence of acetic acid and there will be formation of PbCrO4 plus 2 molecules of sodium acetate. So this is the yellow PPT and here is the chemistry involved in chromyl chloride test. Now next question is what is the role of HCl in group test for group 2? So group 2 ke liye HCl kyun add kiya jata hai? HCl hai that will dissociate to give H पॉजिटिव आयन एंड द क्लोराइड आयन. और ग्रुप सेकंड के अंदर ही हम H2S गैस भी पास कराते हैं. सो दैट H2S गैस विल डिसोशिएट टू गिव टू H पॉजिटिव आयन एंड द सल्फाइड आयन. नाउ H पॉजिटिव आयन इज द कॉमन आयन
सो जो HCl H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा वो यहाँ से कॉमन आयन होगा और इसकी वजह से क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है H2S गैस H2S का डिसोसिएशन का, दैट विल शिफ्ट बैकवर्ड। सो इस वजह से क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ सल्फाइड आयन विल बी रिलीज्ड। और लेस अमाउंट ऑफ सल्फाइड आयन रिलीज होंगी, ये जो लेस अमाउंट ऑफ सल्फाइड आयन है दैट विल बी सफिशियंट फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप टू, सफिशियंट फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप टू एंड नॉट फॉर ग्रुप फोर। सो जो सल्फाइड आयन यहाँ पे रिलीज होंगे वो क्या होंगे, ग्रुप टू के जो आयन्स हैं उनका प्रेसिपिटेशन कर देंगे, ग्रुप फोर का प्रेसिपिटेशन नहीं करेंगे। सो इस तरह से सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम करके इजीली ग्रुप टू के आयन्स का डिटेक्शन किया जा सकता है। अगर सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई मीन्स क्या होगा, ग्रुप फोर का आयन्स भी यहीं पे ही प्रेसिपिटेट बना लेंगे और इस वजह से बहुत टफ हो जाएगा ग्रुप सेकेंड और ग्रुप फोर के आयन्स को एक साथ एनालाइज करना। सो HCl का रोल क्या होता है, इट प्रोवाइड्स कॉमन आयन दैट इज H+।